आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांश शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल HSR व्लॉग्स। सो गाइस, फाइनली हमारा ट्रिप प्लान हो चुका है। हम लोग निकल रहे हैं दीव के लिए। चलिए आप लोग भी साथ में। सो गाइस, हम लोग निकल पड़े हैं अभी अपनी जर्नी के लिए। हम जा रहे हैं दीव। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। टोटल टाइम दिखा रहा है 8 घंटे, लेकिन आई नो कि 10-11 घंटे से पहले हम लोग नहीं पहुंचने वाले हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, पहले सिमरन को पिक करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे दीव के लिए। तो चलते हैं गाइज, आप भी चलिए, देखिए मजा आएगा कि नहीं। हम लोग अभी पहली बार जा रहा हूँ मैं भी, इससे पहले मैं कभी नहीं गया हूँ दीव। बस तारीफें सुनी है कि दीव अच्छा है। गुजरात के पास अगर कोई अच्छी जगह है घूमने के लिए तो माउंट आबू, उदयपुर और दीव। दमन की इतनी तारीफें नहीं सुनी है, बट उसके बारे में भी सुना है काफ़ी कि वो भी ठीक है। वहाँ का बोलते हैं थोड़े दमन के बीचेस गंदे हैं, बट जब तक जाऊँगा नहीं, मैं दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करता। एक बार जाऊँगा, खुद देखूँगा, फिर आपको रिव्यू दूंगा कि वहाँ पे कैसा क्या सीन है। चलते हैं। सो गाइस, हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए। सिमरन को हमने पिक कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको लेके हम बस अब अपनी ट्रिप के लिए निकलेंगे, फिर आपको मिलते हैं रास्ते में। सो गाइज, हम लोग अभी रास्ते में बस चाय पीने के लिए रुके थे। चाय मैं लेके आया था क्योंकि मुझे पता है रास्ते में चाय को थोड़ी अच्छी नहीं मिलती है, चीनी बहुत ज़्यादा होती है, अदरक नहीं होता। घर से बना के लाए, मस्त चाय पियेंगे। अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हम लोग मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर चले हैं, राइट 50 किलोमीटर चले हैं। उसके बाद अभी हमें करीब 350 किलोमीटर और चलना है, बट होपफुली जल्दी पहुँच जाएंगे। जल्दी पहुँचते ही हम आपको वहाँ के व्यू दिखाएंगे, हो सका तो आज ही दिखाएंगे, या फिर आज सिर्फ एक जर्नी दिखाएंगे, अगले ब्लॉग में आपको पूरा दीव के करेंगे, क्योंकि हम लोग भी हो सकता है पहुँचते पहुँचते शाम हो जाए तो अगले दिन ही हम घूमने निकले, बट जैसा होगा हम आपको अपडेट रखेंगे। ऐसी रोड मिले दीव तक तो मजा ही आ जाए, क्या मस्त है, 6-lane road है। जल्दी भी पहुंच जाएंगे फिर तो, मन फिर तो 6 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, बट अगर थोड़ी सी भी खराब मिली तो क्या है, अपना ब्रेक लगेंगे तो स्पीड कम होगी तो पिकअप नहीं मिलेगा तो टाइम लगेगा पहुंचने। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हैं, सच में नहीं पता। यहाँ से बस 150 किलोमीटर रह गया दीव, और बीच में हमने सोचा चाय पानी पीते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से जल्दी। यहाँ से 150 किलोमीटर रह गया तो मोस्ट प्रोबेबली 3 घंटे लगेंगे यहाँ से मुझे पहुँचने में। जैसे ही पहुँचते हैं आपको वहाँ के व्यूज दिखाते हैं। भावनगर यहाँ से बचा है 60 किलोमीटर, भावनगर से फिर ज़्यादा बचेगा नहीं, मेरे ख्याल से 180-200 किलोमीटर बचेगा दीव, तो पहुंचते हैं। ये मतलब यहाँ पे थोड़ा ना रोड तो अच्छा है, बट सिंगल रोड है, सिंगल लेन है, मतलब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर आपके सामने ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, ऐसी जगहों पे आप या तो रिस्क लेके करो या फिर चुपचाप पीछे चलते रहो। So guys, अब हम लोग दीव में एंटर होने वाले हैं। सामने आपको दिख रही है दीव की बॉर्डर, मतलब यहाँ पे गुजरात है, वो खत्म होके दीव आ जाएगा। बस अब हम लोग बस पहुंचेंगे और ये एंटर होने वाले हैं दीव में।
हाँ जी, तो हम लोग आ चुके हैं दीव। हम लोगों ने अपनी जस्ट होटल में एंट्री की है, बहुत थक चुके हैं। मैं आपको होटल का मतलब अपने रूम का बालकनी का व्यू दिखाता, बट मैं सोच रहा हूँ कल दिखाता हूँ सुबह सुबह। अभी हम लोग जस्ट थके आ रहे हुए हैं, खाना खाएंगे पहले। सुबह से कुछ खाया नहीं, हम लोगों ने सीधी स्टार्टिंग जर्नी की और रुके ही नहीं है। एक बार रुके थे, उसके अलावा रुके ही नहीं, सीधे हम लोग आ चुके हैं। तो पहले हम थोड़ा आराम करते हैं, फिर उसके बाद शाम को आपको मिलते हैं। हाँ जी, तो हम लोग अभी रात में घूम रहे हैं दीव की गलियों में। जैसा कि आप देख सकते हैं बाजू में समुद्र है, ये पूरा मार्केट थोड़ा सा है, साइड में थोड़ा स्ट्रीट मार्केट भी है लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बाहर से दिखाता हूँ। तेरा खात में बेचारा सर का ताप मैंने फास्ता तू ऊंचा जिससे पैदा हुआ आसमाने खात बातें रोक तू मैं तेरे।